अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वाही कवर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में वेज हक्का नूडल्स। इसे बनाना बहुत ही इजी है और ये बड़े ही मजे की बनते हैं। तो पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, फिर बनाना शुरू करते हैं। मैंने स्टोव ऑन करके एक पतीले में 1 लीटर के करीब पानी डालकर उबलने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून तेल डालकर उबाल लेते हैं। पानी में उबाल आने के बाद हम इसमें 200 ग्राम नूडल्स डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक 90% कुक होने तक उबाल लेंगे। देखिए नूडल्स हमारे उबल चुके हैं, अब स्टोव बंद कर देते हैं। फिर इन नूडल्स को छन्नी में डालकर सारा पानी निकाल देंगे। फिर उसके बाद इसमें इस तरह से ठंडा पानी डालेंगे, ऐसा करने से नूडल्स खिले खिले रहेंगे। अब हम नूडल्स को एक प्लेट में डालकर फिर इसमें 2 टीस्पून तेल डालेंगे और नूडल्स पर सारा तेल अप्लाई करके ठंडा होने रख देंगे। इससे नूडल्स चिपचिपे नहीं रहेंगे और एकदम खिले खिले रहेंगे। अब स्टोव ऑन करके एक फ्राइंग पैन रख लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून तेल डालकर गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च, बारीक स्लाइसेस पे कटे हुए प्याज 1 कप डालकर फ्राई कर लेंगे। प्याज को ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, सिर्फ इन सभी को कच्चापन जाने तक सॉटे कर लेंगे। उसके बाद 1 कप कद्दूकस किया हुआ गाजर डालकर इसे भी थोड़े सेकेंड्स तक सॉटे कर लेंगे। फिर हम इसमें 1 कप कटी हुई कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, 1 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी यानी कैबेज डालकर इन्हें भी सॉटे कर लेंगे। आप इसमें अपने पसंद के वेजीज भी डाल सकते हैं, जैसे मशरूम, बेबी कॉर्न, येलो एंड रेड बेल पेपर्स। इन्हें ओवर कुक भी नहीं करना है। कुछ सेकंड सॉटे करने के बाद 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर नमक और काली मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालते हैं 1 टीस्पून रेड चिल्ली सॉस, 2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून टोमेटो सॉस और 1/4 टीस्पून विनेगर। अब हम इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सॉसेस डालते वक्त स्टोव की फ्लेम को लो पर रखेंगे, बाकी नूडल्स कुक करते वक्त हाई फ्लेम पर ही हमें सारी कुकिंग करना है। अब हम इसमें डाल देते हैं उबले हुए नूडल्स, फिर इसमें लगाएंगे एक अच्छी सी मिक्स। देखिए मैंने नूडल्स सारे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देंगे और फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप यहां पर स्प्रिंग ऑनियन भी बारीक काट कर डाल सकते हैं, मुझे नहीं मिले तो मैं इसके बगैर ही नूडल्स बना रही हूं। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन अवेलेबल है तो आप जरूर डालें।
कीजिए, हमारे मजेदार गर्मा गर्म वेज नूडल्स बनकर सर्व करने के लिए तैयार हैं। अब हम इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम जब दिल चाहे तब रेस्टोरेंट जैसे वेज नूडल्स घर पर ही बनाकर मजे ले सकते हैं। आप भी जरूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इंशाल्लाह मैं फिर मिलती हूँ एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक लेती हूँ इजाजत, दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।